प्रधानमंत्री जी किसानों के बच्चों ने जिताए ओलंपिक, खेती कानून वापस लेके दियो तोहफा। यह कहना है आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान का। दरअसल भारतीय पुरुष हाकी टीम ने 41 साल बाद तगमा जीत के इतिहास रच दिता। भारतीय हाकी टीम ने जर्मनी को हरा के टोकी ओलंपिक विच कंसी का तगमा जितया, जो 1980 तो बाद पहली बार जितया गया। रोमांचक मैच में एक समय भारतीय टीम 1-3 नाल पिछे सी, जिस तों बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी की अते मैच नूं 5-4 नाल जित लिया। भारत लई पंजाब दे सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल किए, जदों कि रुपिंदर हार्दिक अते हरमनप्रीत ने 1-1 गोल किया। उधर भारतीय महिला हाकी टीम भी चंगा प्रदर्शन कर रही है, जिस तों बाद पंजाब दे मुख्यमंत्री तों लैके देश दे प्रधानमंत्री तक सब भारतीय हाकी टीम नूं वधाइयां दे रहे ने। प्रधानमंत्री मोदी जी दी वधाई तों बाद भगवंत मान दे वल्लों भी वधाई दित्ती गई, पर एक वक्खरे अंदाज विच, क्योंकि मान ने एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं एक सलाह दित्ती है। मान की सलाह यह है कि गोल किसान मजदूरों के धियां पुत्तां ने किए ने, इसलिए खेती कानून रद्द करके उन्होंने तोहफा दे दवो। दूजे पासे भारतीय पुरुष हाकी टीम विच पंजाबी नौजवानों के प्रदर्शन तो खुश पंजाब सरकार दे वल्लों जेतू टीम के पंजाबी खिडारियों नूं 1-1 करोड़ देण दा ऐलान किया गया, जो पंजाब के खेड मंत्री गुरमीत राणा सोढ़ी दे वल्लों किया गया। इस जित तो वैसे तो पूरा देश खुश है, पर कांग्रेसी विधायक अते सबका हाकी खिडारी प्रगट सिंह होरां दी खुशी का लेबल वक्रे अंदाज ते है। देखो, बहुत खुशी की बात है, जिस पैशन ने और प्रोफेशन में हमें यहाँ तक ला के खड़ा कर दिया, उसमें अगर आपकी कुछ कंट्रीब्यूशन हो, आपका वो बच्चे जो स्पेशली जिनको तैयार किया हो हमारे कोचेस ने, हमारे सिस्टम ने, तो उससे और खुशी की बात और हो नहीं सकती। सर, पूरे मैच में जिस तरह का रोमांच रहा, 4-5 आया, तो काफ़ी बार ऐसा भी हुआ था कि हाँ हार जाएंगे, जीत जाएंगे, लेकिन आखिरकार कांस्य पदक जीत लिया। पूरे मैच के रोमांच को लेकर क्या देखेंगे कि भारतीय टीम को किस तरह के खिलाड़ी जो सामने देखने को मिले, पूरे मतलब एक नहीं, देखो जर्मन जो नहीं, देखो होते तो स्ट्रेसफुल ही है, ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन एट द सेम टाइम ये मैच एक ऐसा मैच था जिसमें रोमांच चरम सीमा पे, मैं इसको कह सकता हूँ कि चरम सीमा पे था, और क्योंकि कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था जिसमें एक्साइटमेंट ना हो। इवन के लास्ट जो 6 सेकंड रहते थे और उस टाइम पे जर्मन को पेनल्टी कॉर्नर मिला, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक्साइटेड मैच था, और उसमें लास्ट मोमेंट तक भी जोश और होश का जो सुमेल था बच्चों का, वो हमें देखने को मिला। दैट इज़ क्रेडिट टू देम, एंड इससे हॉकी रिवाइव भी होगी। आई थिंक ये जो बच्चे हैं ये बेसिकली हमारे रोल मॉडल भी बनेंगे, और इसमें आगे आने वाली जनरेशन्स को भी मोटिवेशन मिलेगा। सर, कल महिला हॉकी टीम का ब्रॉन्ज के लिए मैच है, उसे कैसे देखते हैं? नहीं, देखो महिला की मैं समझता हूँ कि लड़कों से भी ज़्यादा बड़ी स्ट्रगल है, क्योंकि हमारे समाज में कहीं ना कहीं जो फैसिलिटीज़ महिला को होनी चाहिए वो नहीं होती। इवन हमारे घरों में भी हम देखते हैं कि लड़के की लुक आफ्टर कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है बजाय लड़की के, लेकिन इससे विमेन एम्पावरमेंट को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, और जितनी स्ट्रगल से, जितनी हम्बल बैकग्राउंड से ये लड़कियां आती हैं, और जब नई जनरेशन इनके साथ इंटरेक्ट करेंगी, और ये यहाँ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में अगर जाके अपनी बैकग्राउंड बताएंगी, तो मेरा ख्याल है कि उससे लड़कियों को मोटिवेशन मिले। चमत्कार होंगे ने, देखो अपनी अखां सामने 3 घंटे हर परेशानी का हल पाओ।
सात इलमां दे माहिर दिवानशु जोशी, मेरे किते नू कोई कट नहीं सकदा, कटन वाले नू मुंह मंगया इनाम। परेशानी जिवें मनचाहा प्यार, पति पत्नी चनबन, काले जादू दा खात्मा, बीमारी दवा ना लगना, वशीकरण करवाओ, जिस नू चाहे उस नू अपने वश च करो। लाटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटो मैक्स। धोखेबाज प्रेमी प्रेमिका सौतन दुश्मन नू अपनी अखां सामने तड़फदा वेखो। 7082844950।